वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भैया जी आप? तो स्वागत है आपका फिर से एक बार राज टैक्सी ब्लॉग में। मैं करता हूं आपका स्वागत। मैं अभी एक चैलेंज करने वाला हूं 100 दिन का, जिसमें सीएनजी, टोल, पार्किंग, एवरीथिंग, सारी चीज़ें निकाल के, ईएमआई वगैरह सब कुछ निकाल के, मैं 100 दिन में कितने का प्रॉफिट बना सकता हूं अपनी गाड़ी, ओला, उबर, पर्सनल और मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म में चला के। तो देखते हैं गाइस मैं कितने तक का प्रॉफिट बना सकता हूँ 100 दिन में। वैसे तो मेरा चैलेंज है कि 100 दिन में मैं कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए मेरा, 2000 रुपये डेली का, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर मैं कहीं काम भी करूँगा तब भी मुझे 1000 रुपये तो कोई भी देगा। तो चलो दोस्तों मैं चैलेंज करता हूँ शुरू अपना, और 100 दिन के अंदर 2 लाख का प्रॉफिट सारी चीज़ें निकालने के बाद। तो कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो मैं अपना चैलेंज स्टार्ट करता हूँ आज से। आज है 15 अक्टूबर और 2024। तो अभी मैं हूँ सिलेक्सी टी वॉक साकित। मैं अपने पर्सनल कस्टमर को लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ, इनको भी सारा कुछ जोड़ूंगा इस ट्रिप में। जैसे कि मैं अभी सुबह निकलता हूँ घर से 9:15, 9:20, 9:25 अपनी गाड़ी सीएनजी फिलअप कराता हूँ। सुबह मैंने सीएनजी फिलअप करा ली थी, 687 कुछ रुपए की गैस आई थी, मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। उसके बाद में अब मैं यहाँ से साकेत से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। अब डेली यहीं से करा करूँगा, जैसे कस्टमर नहीं आया करेंगे तो वहाँ से गौर सिटी से किया करूँगा। तो चलो वो दोस्तों मैं 100 दिन के अंदर अपना 2 लाख का प्रॉफिट बना पाता हूँ या नहीं बना पाता, वो सब कुछ बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। आप राज टैक्सी ब्लॉग पर सर्च कर सकते हो। तो चलो दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, तो आपको पता ही है मैंने स्टार्ट किया है 100 दिन का चैलेंज, 2 लाख रुपये की सेविंग करनी है 100 दिन गाड़ी चला के। तो दोस्तों मैंने अपना कस्टमर ड्रॉप किया था, तो करीबन 40 मिनट के करीबन कोई ट्रिप नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेरी जान काम करना है ना। तो फिर मैंने एक ट्रिप करी छोटी सी, 6-7 किलोमीटर की थी, ग्रीन पार्क की। उसमें 158-160 रुपये मिले। वहाँ पर भी जा करके मैंने कहा चलो गो कैटेगरी चालू करते हैं, मैंने कहा छोटी छोटी 2-3 ट्रिप करते हैं। तो मैंने एक छोटी छोटी ट्रिप करी मैंने वहाँ की, सीआर पार्क की, सॉरी वहाँ की थी GK2 डॉन बॉस्को स्कूल के पास की। तो वहाँ मैंने उनको कर दिया ड्रॉप, उसमें मिले थे 100-110 रुपये, 7-8 किलोमीटर की थी शायद, वो भी 100-110 रुपये मिले थे। उसके बाद में 2 ट्रिप में मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था 270-280 का। फिर मेरे पास एक ट्रिप आ गई थी साकेत की, मैंने कहा चलो 2 बजे मुझे अपने क्लाइंट को ड्रॉप करना है साकेत, सॉरी 63। तो मैंने कहा चलो साकेत चलता हूँ। तो पहुँचा तो कैंसिल होगी पहले, फिर दोबारा पैकिंग आ गई मेरे पास, पहले 20 रुपये कैंसिलेशन के मिल के, फिर दोबारा से गो प्रायोरिटी में आई लेने गया। तो कुछ उनको इमरजेंसी आ गई, कर अभी नहीं जा पाएंगे भैया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं खाली निकल गया साकेत, तो 300 रुपये का मेरा तब काम हो गया था। वहाँ से पहुँचने के बाद मैं पहुँच गया 3 बजे जैसे ही मैंने चालू करा गो कैटेगरी, तो मैंने करी रखी थी ऑन, वैसे ही मेरे पास ट्रिप आ गई करकटुमा मेट्रो। मैं हूँ अभी करकटुमा मेट्रो पे ही, ये देखो पैंकेट बनी है ना। तो अब इनको लेके आया हूँ मैं, इनका 270 का बिल बना था और इसमें रुपये मिले हैं मुझे शायद 165-160 रुपये के आसपास, और 100 रुपये का टोल, 265-260 मिले हैं मुझे। तो दोस्तों अभी तक कुछ काम हुआ है मेरा दोनों ये ट्रिप मिला के 300 का तब था, 300-275 के आसपास हुआ होगा, 560। और जो मेरे पर्सनल कस्टमर हैं वो 700 रुपये देते हैं मुझे जाने के, और देंगे आप 63 छोड़ता हूँ तो मुझे देंगे 550 रुपये के आसपास। तो 1250 मैंने वहाँ से कर लिए हैं, 550 आप यहाँ से लगा लो तो करीबन मेरा 1800 काम हो चुका है। और मेरे को 2000 रुपये का प्रॉफिट करना है किसी भी हालत में, 2000 रुपये का प्रॉफिट करना ही करना है मुझे शाम तक सीएनजी और गाड़ी की ईएमआई निकालने के बाद। तो 1800 काम हो चुका है अभी तो मेरी गाड़ी की सीएनजी और मतलब मुझे बहुत खर्चे निकालने हैं अभी तो, 1000 रुपये, 800 रुपये गैस, उसके बाद 700 रुपये का, 1500 का खर्चा ही निकालना है, उसके बाद में मेरे को 2000 का प्रॉफिट चाहिए। तो चलो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अभी तो देखो 3:40 हुए हैं, मेरी 5 मिनट घड़ी आगे है। तो चलो दोस्तों कर पाता हूँ टारगेट नहीं कर पाता, 100 दिन में मुझे 2 लाख रुपए सेविंग करनी है। आज का अगर टारगेट क्या होगा, 2000 किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा करना पड़ेगा मुझे, पर लेकिन मेरा टारगेट है डेली 2000 रुपए मुझे सेविंग करनी करनी है किसी भी कीमत पे। तो चलो दोस्तों करता हूँ मैं अपनी 2000 रुपए की सेविंग आज। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूँ लोधी गार्डन से। हेलो दोस्तों, तो लोधी गार्डन से मैं पहुंच चुका हूँ इंद्रप्रस्थ, आप देख सकते हो। आज सुबह से मेरे साथ 2 बार वैसा हो चुका है, अभी इनको लेके आया हूँ। 18-19 किलोमीटर ट्रिप थी और इसमें मुझे 216 रुपये और 120 रुपये का टैक्स, यानी कि 336 रुपये के आसपास दिए हैं।
सुबह से दोबारा ऐसा हो गया है कि कस्टमर बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको क्यूआर कोड पेमेंट करता हूँ, जबकि ऑनलाइन पेमेंट है वो दोनों। अभी ये वाले भी कस्टमर कह रहे थे, मैंने सर ऑनलाइन पेमेंट है आपकी, मैं कभी किसी का पैसा नहीं लेता, तो वाली बात है। चलो किसी के पैसे से क्या हो जाएगा, सारा दिन काम कर रहे हैं, 100-200-300 रुपये से क्या हो जाएगा। इनका बिल था 430 रुपये का, मुझे इनमें से इसमें से दिए हैं ऑलमोस्ट 336 रुपये। तो चलो दोस्त आगे देखते हैं, ऐसी कहाँ की ट्रिप मिलेगी। अभी टारगेट बहुत कम हुआ है, 900 कुछ रुपये का ऊबर में, 200 का टोल मान लो आप, 900, 200, 1100 और 1200-1300 रुपये के आसपास का काम हुआ, 2300-2400। उसमें अभी खर्चा तो निकला नहीं सही से, हमें तो 2000 रुपये डेली करना है कम से कम, अगर चैलेंज पूरा करना है तो। तो दोस्तों चैलेंज तो पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। 6 बज गए अभी, अभी मेरे पास 3-3.5 घंटे और हैं, 3-3.5 घंटे कुछ नहीं तो 1800 रुपये काम हो जाएगा, तो मेरा फिर भी पूरा हो जाएगा टारगेट। तो चलो दोस्त टारगेट पूरा करेंगे आज, और दोबारा से अगर मैं गैस भराऊंगा तो वो कल के काम में भी जोड़ूंगा। अगर मैं आज अगर भराऊंगा तो मेरे पास इतनी अर्निंग बचेगी, तो कल फिर ज़्यादा हो जाएगा वो। अब मैं गैस ऐसे ऐसे भराता रहूँगा, क्योंकि आज सुबह से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया, तो गैस सुबह से स्टार्ट की थी मैंने भराना। तो चलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं था इंदिरापुरम, इंदिरापुरम से मैं गया था। उसके बाद मैं काफ़ी देर, आजकल काम कम है तो काम, एक तो मैं उबर गो कम चलाता हूँ इस वजह से, ऊपर से ओला में भी मैं मिनी बंद कर रखता हूँ, उस वजह से काम आता नहीं है। फिर मैंने चालू कर ली थी शाम को, काम नहीं आ रहा था। तो इंदिरापुरम से मेरे पास ट्रिप आई थी गगन बिहार, DAV पब्लिक स्कूल के सामने बगल में ही है, वहाँ से ट्रिप आई, वहाँ की ट्रिप आई मेरे पास, उसका नाम भूल गया हूँ मैं, सॉरी। तो वो ओला में थी ट्रिप, ओला में मेरे को दिए थे 230-20 के आसपास, मैं आपको दिखा रहा हूँ टोल लगा के। वहाँ से फिर मेरे पास ट्रिप आई थी गुड़गांव की, गुड़गांव की मानेसर की भी आ रही, मैंने डिक्लाइन कर दी। बहुत सारी ट्रिप आ रही थी, मानेसर की आई थी 800-800 रुपये में, मैंने कहा गुड़गांव से वापस आने, मतलब मानेसर से आने में वापस दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने कहा एक ट्रिप आई थी गुड़गांव की, साइबर सिटी के पास की थी, सेक्टर 43 की, मैंने कहा इसको उठाता हूँ वहाँ से वापस ही, साइबर सिटी से चांस रहते हैं ज़्यादा मिलने के। मैंने कहा उठा, 7:30 बजे मैंने पिकअप की थी वहीं से, दीजा ड्रॉप की थी वहीं से, जस्ट पिकअप था 100 मीटर पर ही। हाँ, उससे पहले एक ओला में ट्रिप आई थी, सर्ज में थी, एयरपोर्ट के 700 रुपये दिखा रहा था, मैंने कहा उसको लेके करता हूँ मैं, लेके जाने आगे मैं बड़ा पिकअप के लिए। तो उनका मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो कह रहे कि यार रात की 12 बजे की बुक कर रहा हूँ, हो नहीं रही है ये वो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, आप कैंसिल कर लो, रिजर्व में होती है, ऐसे ऐसे मैंने बताया उनको, चलो वो छोड़ो बात, वो बात की बात है। तो उसके बाद मैं गुड़गांव गया, गुड़गांव जाने में मुझे 550 दिखा रहा था 1.5 घंटा, पर उस ट्रिप में 2 घंटे कुछ मिनट लगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ 709 रुपये दिए मुझे, और उन सर को पहले दिखा रहा था बिल 700 कुछ रुपये, फिर 997 का बिल आया उनका, तो ऑलमोस्ट उसमें से 300 रुपये कंपनी ने कमीशन काट लिया। वहाँ पहुँचने के बाद जस्ट वैसे मेरे पास इंदिरापुरम की ट्रिप आ गई 9:30 बजे ही, 410 रुपये दिखा रहा था 98 मिनट, दो बार आई थी, मैंने फोटो नहीं खींच पाया उसका, दिमाग से निकल गया था, अब खींचूंगा डेली से कल से। तो मैंने कहा 2 घंटे लग रहे हैं 410, ऊपर से मेरी यूपी नंबर की गाड़ी है तो हमें यूपी का टैक्सी भी नहीं देता, मैंने कहा इसको तो नहीं करूँगा मैं, मैंने कैंसिल मतलब डिक्लाइन कर दी। फिर एक बार दोबारा से सीडान में आई, मैंने कहा उसको उठाया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा आप चल सकते हो ऑफलाइन में, कि नहीं नहीं ऑफिस का बिल है, मैं छोड़ो फिर थोड़ो। उसके बाद में फिर मैं पहुंच गया साइबर सिटी, 10-15 मिनट बैठा, मेरे पास ट्रिप आ रही थी इधर उधर की, मैंने कहा चलो छोड़ो जो मिल रहा है लेते चलो यहाँ से निकलो। तो चाणक्यपुरी की ट्रिप लेके आया मैं, चाणक्यपुरी आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्त, उनमें उस ट्रिप में 248 रुपये दिए मात्र मुझे, और टाइम लगा था 45 मिनट के आसपास, और 500 रुपये कस्टमर के बिल बनाया, 100 रुपये का MC टोल दिया, 350 मिले थे उसमें मुझे। उसके बाद मैं वहाँ से मेरे पास एक ट्रिप आई थी यहाँ की आई पी एक्सटेंशन ड्रॉप किया, उसमें भी 220 के आसपास, वहीं से वैसी ट्रिप आ गई आनंद विहार से आपकी इंदिरापुरम की, मैंने कहा उसको भी उठा के कर लेता हूँ, क्यों घर तो जाना ही है मुझे। अब फटाफट देखो 9:30 बजे वहाँ पर था मैं, अब देखो 12:30 बज रहे हैं, तो 12:30 बज रहे हैं अभी, तो ऑलमोस्ट मेरे को 3 घंटे में मैंने कितनी ट्रिप करी, एक करी 350 की वो थी, और 250 की 550-600 ही हो गए, और 300 रुपये इसमें मिले थे मुझे, तो वही 900 रुपये हो गए ना। और वही लेके आता मैं ओला में तो जल्दी घर आ जाता, पर लेकिन कम काम होता मेरा। और हाँ एक और बात, अभी लास्ट मिनट ट्रिप को लेके आया था, वो 5 लोग थे, तो कहते हैं कि मैंने कहा सर 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, मैंने कहा अगर आप प्रीमियम में बुक कर रखे होते तो भी मैं ले जाता, छोटे छोटे मतलब हल्के हल्के थे, मैंने कहा तब भी ले जाता, मैंने कहा सर ऐसे नहीं 50 रुपये लूँगा। अरे यार ये कौन सी बात है, मैं अपने हक का मांग रहा हूँ, या पर आप बुकिंग सही से किया करो, कम से 5 लोग हो तो प्रीमियर तो करोगे कम से कम। तो वो सब बातें थी आज की, और आज का मैं आपको अर्निंग बता देता हूँ। हाँ
जब गुड़गांव जा रहा था रास्ते में गैस भराई थी 506 रुपए की कुछ की, सुबह भराई थी मैंने 687 रुपए की और शाम को ऑलमोस्ट 1200 रुपए की मेरी आज गैस हो गई। और आज काम हुआ है मेरा 2200 कुछ रुपए का उबर में है और 490 रुपए के उसमें टोल है, 2200 490 2200 कुछ रुपए है तो 2230 और 490 आसपास है, आप जोड़ लेना मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे। और ओला में एक ट्रिप है 230 रुपए के आसपास की, तो यही काम हुआ है। और मेरे पर्सनल कस्टमर हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मेरी ईएमआई जाएगी तब, या फिर सुन लो 1250 रुपये मुझे उन्होंने दिए हैं, मुझे देते हैं मुझे 700 रुपये जाने के साकेत, और 550 मुझे देंगे आज यहाँ पे 63 तक आने में, तो 1250 वो देंगे और 2200 रुपये का ये है मेरा, 500 का टोल और ओला में 230 का, जोड़ लेना आप अपने हिसाब से। बाकी क्या मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा और शॉर्ट्स वीडियो में हर डेली मैं बनाऊंगा और डेली आपको मैं काम करके दिखाऊंगा। 100 दिन के अंदर मुझे 2 लाख की सेविंग करनी है, कैसे करनी है किसी भी तरीके से करनी है। और अभी मैंने आज काम किया है ऑलमोस्ट 15 घंटे, कल से मतलब मेरा रूटीन रहेगा 12 घंटे मुझे काम करना ही करना है। मैं एक डायरी बनाऊंगा उसमें लिखूंगा कौन से दिन मैंने कितने घंटे काम किया है, तो एवरेज मुझे 12 घंटे डेली काम करना है और उस 12 घंटे में मुझे एक अर्निंग करनी है 100 दिन के अंदर 2 लाख रुपए की सेविंग, गाड़ी की EMI खर्चा पंचर टोल टैक्स फलाना ढिमकाना सब कुछ काटने के बाद गाड़ी का। चलो दोस्तों मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ ये चैलेंज आपको मैं हर एक दिन वीडियो में बताऊंगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिनी ब्लॉग आपके लिए डेली आएगा।